नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विधानसभा यानी कि सचिवालय से जो वैकेंसी निकल रही है 5वीं 8वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रखा गया है और सिलेक्शन किस प्रकार होगा, वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती प्रक्रिया की बेसिक जानकारी है वो हिंदी में दिखा देते हैं। तो सर्वप्रथम आप यहाँ देख सकते हो आपको ये वैकेंसी है कहाँ से मिल रही है, विधानसभा सचिवालय से ये वैकेंसी है आपको मिल रही है, सचिवालय से ये वैकेंसी है जो आपको मिल रही है। और इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल रही है, प्रथम पोस्ट आपको इसमें क्लर्क की मिल रही है, क्लर्क की पोस्ट मिल रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है पोस्ट आपको मिल रही है, DEO की वैकेंसी मिल रही है, चपरासी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो वैकेंसीज आपको मिलेगी वो मिलेगी क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, DEO, चपरासी के पोस्ट के लिए है, वो पोस्ट आपको इसमें मिल जाएगी। और वेतनमान की बात करें तो वेतन आपको इसमें मिलेगा 4,900 से लेके 39,100 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन मिलेगा। अन्य जो स्वीकृत भत्ते हैं वो भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में दे होगा। यदि आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपका शुरू में इसका पेमेंट हो जाएगा, चपरासी के लिए हो जाएगा आपका 12,000 और क्लर्क के लिए हो जाएगा 17,700 रुपये पर मंथ। और जो अन्य वैकेंसीज हैं उनका ग्रेड पे के आधार पे वेतन है वो अलग है। ये एक सरकारी जॉब है, ये सचिवालय में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और ये परमानेंट आपको इसमें है जॉब मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं योग्यता, तो योग्यता सिंपल 5वीं पास रखी गई है चपरासी के लिए, यहाँ वैकेंसी के लिए 5वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास, जो भी कैंडिडेट्स हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये होना क्या है आपको 5वीं पास, 8वीं पास और 12वीं पास। अब सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास 5वीं की मार्कशीट यानी कि अंक तालिका नहीं है तो हम फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भर सकते हो, आपको अधिकतम योग्यता कौन सी ले रखी है उसका भी आप ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। यहाँ जन्मतिथि के तौर पे आप 10वीं की मार्कशीट यूज कर सकते हो, वरना यहाँ जन्मतिथि प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। यदि आप केवल 5वीं पास हैं तो जन्मतिथि प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यदि आप 10वीं पास हैं तो 10वीं की मार्कशीट जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में है जो है माना जाएगा। और योग्यता संबंधी डिटेल्स हमने आपको बता दी है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेके 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 18 से लेके 40 वर्ष। और जो आरक्षित वर्ग हैं, जिन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन प्राप्त हैं उनको छूट मिल जाएगी, जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हो कि कितनी आपको इसमें छूट मिल रही है। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या महिला और पुरुष दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए एज में और भी छूट मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क है आप कुछ नहीं देना पड़ रहा है, और आवेदन शुल्क है वो भी कुछ नहीं देना पड़ रहा है। तो विधानसभा की ये अच्छी वैकेंसी आई है, आपको पता है विधानसभा में 4th ग्रेड की यदि आपको पोस्ट मिल जाती है तो कितनी अच्छी पोस्ट होती है। और इसके साथ साथ वहाँ कलर की पोस्ट आपको मिल रही है, DEO की पोस्ट आपको मिल रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आपको मिल रही है, तो बहुत सारी पोस्ट निकल के आई है। इसमें ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, यदि आप संबंधित पोस्ट से योग्यता रखते हो तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दें। हम आपको फॉर्म संपूर्ण इस वीडियो में बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे कैसे आप ये डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, सिलेक्शन की भी हम आपको बताएंगे। इसमें आवेदन कैसे करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एक फॉर्म मिल जाएगा, या आपको किसी साइबर कैफे में जाकर या ईमित्र पे जाके भी आप ये फॉर्म निकलवा सकते हो। आवेदन किस प्रकार करना है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, आप कहीं से भी फॉर्म ले सकते हो, हम भी आपको ये फॉर्म है वो दे देंगे। हमारे जो डिस्क्रिप्शन है या कमेंट बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद किसी भी साइबर कैफे में जाके निकलवा सकते हैं इसका प्रिंट आउट, आप अच्छे से फॉर्म भर के उसके ऑफिशियल एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। और चयन है इसमें लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा, तो जैसे कि कलर की पोस्ट थी तो कलर की में पहले लिखित हो जाएगा,
लिखित होने के बाद आपका टाइपिंग हो जाएगा। और चपरासी की पोस्ट की बात करते हैं तो चपरासी में आपका शायद इसमें लिखित हो भी सकता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी नहीं दिखाई गई है कि आपका इसमें इंटरव्यू होगा या लिखित परीक्षा। लेकिन शायद इंटरव्यू तो हटा दिया गया है डी ग्रुप की पोस्ट से। अब देखते हैं इसमें क्या आपसे लिया जाएगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं, ये जो वैकेंसीज है राज्यवार वैकेंसी है वो निकलती है, जैसे कि अलग अलग राज्यों की ये अलग अलग वैकेंसी निकलती है। और ये जो जॉब मिल रही है आपको कहाँ से मिल रही है वो डिटेल्स हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा देंगे। पंजाब से वैसे ही आपको ये जॉब मिल रही है, पंजाब से ये जॉब है आपको मिल रही है, पंजाब राज्य सचिवालय से ये वैकेंसी आपको मिल रही है। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.punjabassembly.nic.in, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो है लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज है, तो यदि आप पंजाब राज्य से बिलोंग कर रहे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके राज्य में जॉब आ गई है। काफ़ी समय से आप कमेंट कर रहे थे कि हमारे राज्य की जॉब बताइए बताइए, तो ये फाइनली आपके राज्य की जॉब है वो आ गई है। और हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले दी जाती है। अभी तक इस असेंबली का किसी ने भी अपलोड नहीं किया वीडियो, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया था हमारे पास 27 फरवरी को, ये नोटिफिकेशन आ गया था। तो 27 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था पंजाब जो सचिवालय से या विधानसभा से। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा रिक्रूटमेंट या लेटेस्ट न्यूज में, वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।